गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास में बेटा हम लोग कैलेंडर के शॉर्टकट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैलेंडर पे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसके एप्लीकेशन भी सीखेंगे क्वेश्चन में, और कुछ काफ़ी फेमस क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों के एग्जाम में रिपीट होते हैं विदाउट डाटा चेंज, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलेंडर के बारे में। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर से बेटा एवरी ईयर मैक्सिमम एग्जाम, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहें, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कैंपस प्लेसमेंट की बात करें या गेट की, कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में है वहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चन बेटा पूछा ही पूछा जाता है। तो वन बाई वन हम सारी एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट पे मूव करने के बाद आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे उसका एप्लीकेशन। तो चलिए कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताता हूँ, जो सभी के माइंड में ये थोड़ा सा सिंपल सा डाउट रहता है कि एवरी 4 ईयर के बाद 1 डे एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है, 1 डे इंक्रीज क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। ध्यान से देखिएगा, अब ये सन है, दिस इज सन सन, और जो अर्थ है इसका एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, इसका एक कंप्लीट, सपोज यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है बेटा, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेट डाटा है। ये जो अर्थ है ये कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है, वो टाइम कितना ले रहा है बेटा, 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट 11 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट डाटा, एक्यूरेट डाटा नहीं है, दिस वन इज द अप्रॉक्सीमेट डाटा, 365 डेज, 5 आवर 48 मिनट 11 सेकेंड। तो इस अर्थ को कंप्लीट करने में, सन का एक अराउंड चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कितना लग रहा है बेटा, 5 आवर 48 मिनट 11 सेकेंड, इतना टाइम लगता है एक कंप्लीट चक्कर करने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वन ऑर्डनरी ईयर, एक ऑर्डनरी ईयर की बात करें, दैट मीन्स नॉर्मल ईयर, उसको हम लोग यहाँ पे ऑर्डनरी ईयर बोलते हैं, ऑर्डनरी ईयर दिस इज इक्वल टू 365 डेज होता है। बट एवरी 4 ईयर पे हमारा लीप ईयर आता है, तो वन लीप ईयर, जो लीप ईयर हमारा होता है उसमें कितने दिन होते हैं बेटा, 366 डेज। तो 1 डे जो एक्स्ट्रा आता है, 1 डे जो एक्स्ट्रा आता है, दैट मीन्स आपको पता होगा आप सभी को, फैब जी जो फरवरी होती है, ये जो फैब होता है बेटा, इन फैब में अगर हमारा वो लीप ईयर होता है तो फरवरी हमारी कितनी होती है बेटा, 29 डेज की। फैब हमारे कितने दिन की हो जाती है, 29 डेज की। तो वन ऑर्डनरी ईयर दिस इज इक्वल टू 365 डेज, वन लीप ईयर की बात करें 366 डेज, तो दैट मीन्स फैब कितने की होती है बेटा, लीप ईयर में 1 डे इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स 29 डेज की होती है। तो धीरे धीरे हम लोग एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, इस पर काफ़ी सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे। एक डाउट पहला जो क्लियर हो गया कि एवरी 4 ईयर पे हमारा क्या आता है बेटा, लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा, 366 डेज होते हैं, 366। तो वो क्यों आ रहा है, आई होप थोड़ा बहुत यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं बेटा टॉपिक पे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक आर वेरी कॉमन इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन लाई इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द नंबर ऑफ ऑडिटीज। तो एक नई चीज़ जो आपको यहाँ पे सुनने को मिला, दिस इज द ऑडिटीज, ये हमारा क्या है बेटा, ऑडिटीज। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ऑडिटीज होता क्या है, व्हाट इज द ऑडिटीज, क्योंकि ये हमने नाम दिया, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑडिटीज ही बोले। एक नोटेशन हम लोग दे रहे हैं ऑडिटीज, क्यों दे रहे हैं, रीज़न क्या है। जैसा कि अगर हम ऑर्डनरी ईयर की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डनरी ईयर की, तो ऑर्डनरी ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, हाउ मेनी डेज, 365 डेज, ध्यान से समझिएगा बेटा, 365। अगर हम इसको वीक में कन्वर्ट करें तो 52 वीक कंप्लीट होता है, प्लस 1 डे आ जाता है, 1 डे, एक दिन और, 52 मल्टीप्लाई बाई 7। जैसा कि आप सभी को पता है 7 डेज का एक वीक होता है, जो 7 डेज हमारे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये हमारा 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं इन 1 वीक। तो अगर हम 365 डेज की बात करें इन 1 ईयर में, तो 52 तो हमारा वीक कंप्लीट होता है, जबकि वीक का पीरियड भी आपको पता है 7 डेज का होता है, जैसे ही संडे आया फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 7 7 डेज के बाद उसका जो साइक्लिक पीरियड है वो रिपीट हो रहा है। तो 52 वीक पूरा कंप्लीट होता है। तो 52 वीक कंप्लीट होने का सिंपल सा मेथड क्या है कि 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 7 डेज 52 टाइम्स आएगा, कितनी बार आएगा बेटा, 52 टाइम्स, और एक दिन ये एक्स्ट्रा बच जाएगा,
एक दिन क्या बचेगा बेटा एक्स्ट्रा। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, किसी भी ईयर का हम स्टार्टिंग ले लेते हैं, सपोज 0 से 1 ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, क्योंकि लीप ईयर 4 पे आएगा। किस पे आएगा? 4th ईयर पे लीप ईयर आएगा। तो 0 से 1, तो एक तो मंडे से शुरू हुआ, आपका वीक मंडे से शुरू हुआ और मंडे से लेकर संडे तक खत्म हो गया। इसके बाद जो लास्ट डे ऑफ द वीक होता है, लास्ट डे ऑफ द वीक, जो लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द ईयर जो लास्ट डे होगा, वो वन ऑड डे, यानी वन ऑड डे, जो ये एक्स्ट्रा डे है, क्या ये मंडे होगा बेटा? दिस इज मंडे। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो हम लोग पूरा एजेप्शंस लेके चलते हैं, जो एज्यूम करते हैं, वो एज्यूम क्या करते हैं बेटा, अगर वन ऑड डे आया, कितना? वन ऑड डे, वन ऑड डे, तो दिस विल नो दैट मंडे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कि मंडे होगा। टू आएगा तो क्या हो जाएगा? टू ऑड डे, तो दैट मीन्स फर्स्ट मंडे, सेकेंड क्या हो जाएगा? ट्यूजडे। सेकेंड क्या हो जाएगा? ट्यूजडे, एंड सो ऑन। तो सेवेंथ, अगर सेवन आ गया तो सेवन दैट मीन्स क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज संडे। सिमिलरली इसी तरीके से हम मूव करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि वन ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज आ रहे हैं बेटा? वन ऑड डेज। कितने ऑड डेज आ रहे हैं बेटा? वन ऑड डे। और एक नॉर्मल लिप ईयर में, लिप ईयर में नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 365 है, वहां पे कितना हो जाएगा? 366। नंबर ऑफ डेज 366, तो क्या ये ऑड डेज कितने आ जाएंगे लिप ईयर में बेटा? टू ऑड डेज आ जाएगा। हाउ मेनी ऑड डे? टू ऑड डे। तो जो पहला टर्म्स है इस पूरे चैप्टर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज कैलकुलेट करना है बेटा, ऑड डेज। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ऑड डेज। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग से। और वन ऑड डे दैट मीन्स हम क्या सपोज करके चलेंगे, पहला ऑड डे मंडे, दूसरा ट्यूजडे, एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा मे बी थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को ऑड डेज के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे ना जाके, बिफोर जंपिंग टू द टॉपिक, लेट अस डिस्कस रिव्यू सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ध्यान से देखिए, व्हेन एवर द नंबर ऑफ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फोर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फोर, जैसे अभी हमारा सबसे फेमस ईयर 2020 अभी गया है, कोविड की वजह से काफी फेमस रहा। तो 2020 क्या ये फोर से डिविजिबल है? अगर ये फोर से डिविजिबल है, तो आपको पता है कि फेब यहाँ पे कितने की होगी? 29। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिप ईयर। अब हम लोग लिप ईयर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बस ये पता रहता है, स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो ये पता रहता है कि फोर से डिविजिबल है तो वो लिप ईयर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है वो क्या है? एक्सेप्ट द सेंचुरी ईयर, देन इट इज अ लिप ईयर। सेंचुरी ईयर किसको हम लोग एक्सेप्ट यहाँ पे ले रहे हैं? सेंचुरी ईयर। जैसे 100, ये फोर से डिविजिबल है बट ये लिप ईयर नहीं होगा। दिस इज नॉट ए लिप ईयर, ये लिप ईयर नहीं है, ये लिप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा लिप ईयर के बारे में। वेन एवर द नंबर ऑफ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई फोर, किससे डिविजिबल है? फोर से, देन इट इज ए लिप ईयर, तो वो लिप ईयर है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या डाल दिया? सेंचुरी ईयर नहीं। सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जो 100 के मल्टीपल होते हैं। किससे? 100 या 200 हो गया, 300 हो गया, डॉट 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 2000 हो गया, जो 100 के मल्टीपल है, 1200 हो गया, ये सभी हमारे क्या है बेटा? सेंचुरी ईयर। दिस इज नोन एज सेंचुरी ईयर। अब देखते हैं, वेन एवर द नंबर ऑफ ईयर इज नॉट डिविजिबल बाई फोर, वेन एवर द नंबर ऑफ ईयर इज नॉट डिविजिबल बाई फोर, देन इट इज ए ऑर्डनरी ईयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डनरी ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑर्डनरी ईयर। देन इट इज एन ऑर्डनरी ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डनरी ईयर। ओके, अब क्या कहता है? इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, इफ द नंबर ऑफ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर में कौन सा आता है बेटा? 100, 200, 300, ये सभी हमारे सेंचुरी ईयर में आते हैं। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, इफ द नंबर ऑफ ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे बेटा डिविजिबल हो? एग्जैक्टली 400 से। किससे डिविजिबल हो बेटा? 400 से, देन इट इज ए लीप ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लीप ईयर। देन इट इज ए लीप ईयर। उसको हम सभी लोग क्या बोलेंगे बेटा? लीप ईयर। इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, इफ द नंबर ऑफ ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400, देन इट इज ए लीप ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लीप ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लीप ईयर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा सेंचुरी ईयर की। अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर की, तो आप देख सकते हैं
ए ईयर इज ए सेंचुरी ईयर इफ इट इज ए डिविजिबल बाई 100। वो किससे डिविजिबल होगा? 100 डिविजिबल बाई 100, या 100 का मल्टीपल में अगर होगा, 100 के मल्टीपल में होंगे तो क्या होगा बेटा? वो सेंचुरी ईयर होगा। क्या होगा बेटा? वो सेंचुरी ईयर होगा। फिर आता है नॉन सेंचुरी ईयर। ए ईयर इज ए नॉन सेंचुरी ईयर इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी ईयर। 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 ए ईयर इज नॉन सेंचुरी ईयर इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी ईयर। मतलब अगर 100 से डिविजिबल है तो सेंचुरी ईयर है, अदरवाइज आप क्या बोलेंगे बेटा उसको? नॉन सेंचुरी ईयर। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे बेटा उसको? नॉन सेंचुरी ईयर। अदरवाइज आप उसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन सेंचुरी ईयर। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं लीप ईयर के बारे में। यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश किया है, ए ईयर इज ए लीप ईयर इफ इट इज ए नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर दैट इज डिविजिबल बाई 4। दैट इज डिविजिबल बाई 4। और ए सेंचुरी ईयर दैट इज डिविजिबल बाई 400। एक ईयर हमारा क्या होगा बेटा? एक ईयर हमारा लीप ईयर तब होगा जब वो 4 से डिविजिबल हो, और नॉन सेंचुरी ईयर होना चाहिए और वो 4 से डिविजिबल हो। अगर सेंचुरी ईयर होगा, अगर सेंचुरी ईयर होगा तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 400। टेकिंग एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल 1952, 2008, 1680, क्या ये सेंचुरी ईयर है? नहीं, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर ये सेंचुरी ईयर नहीं है तो किससे डिविजिबिलिटी आप लोग चेक करेंगे बेटा? 4 से। तो 4 से देखिए डिविजिबल है, 4 की डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है, लास्ट टू डिजिट अगर ये नंबर 52 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर दैट मीन्स 1952 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिप ईयर। 2008 में ये लास्ट वाले देखिए 08 आपको दिख रहा है डिविजिबल है 4 से, तो हमारा क्या हो गया? लिप ईयर। 80 ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ये सभी हमारे क्या है बेटा? 4 से डिविजिबल है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लिप ईयर। ओके नेक्स्ट 1991, 2003, क्या ये देखिए 91 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 03 4 से डिविजिबल नहीं, ये हमारे लिप ईयर नहीं है, नॉट लिप ईयर। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं इसको ऑर्डिनरी ईयर। क्या है बेटा? ऑर्डिनरी ईयर। लिप ईयर का मतलब क्या होता है? जो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366 होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बेटा? 365 डेज। अब यहाँ पे देखिए सेंचुरी ईयर लिया 400, 800, 1200, तो क्या ये सभी 400 से डिविजिबल है? देखिए 400 से डिविजिबल, 400 ही है, 800 है, 1200 है, तो 4 के मल्टीपल में तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या होंगे? 400 के मल्टीपल में तो ऑब्वियस ही बात है कि ये 400 से डिविजिबल होंगे। ये सभी क्या है? लीप ईयर है। ये सभी क्या है बेटा? लीप ईयर है। फिर क्या कह रहा है? 100, 200, 1900 इज ऑल्सो सेंचुरी ईयर। ये सभी सेंचुरी ईयर हैं बट ये 400 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉट ए लीप ईयर। नॉट ए लीप ईयर हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉट ए लीप ईयर। अब देखिए काउंटिंग ऑड डेज एंड कैलकुलेटिंग डे एनी पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं ऑड डेज का। जैसा कि आप सभी को पता है वन ऑर्डनरी ईयर, ऑर्डनरी ईयर अभी अभी हमने स्टार्टिंग क्लास स्टार्टिंग में बताया था, 365 डेज, 65 डेज, 52 वीक कंप्लीट होता है, और कितने ऑड डे आते हैं बेटा? वन ऑड डे। हेंस नंबर ऑफ ऑड डे इन वन ऑर्डनरी ईयर, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डनरी ईयर में कितना होता है? वन होता है। ऑर्डनरी ईयर में कितने होते हैं बेटा? वन होते हैं। लीप ईयर, वन लीप ईयर में 366 डेज, कितने दिन होंगे? 366 दिन होता है। कितने दिन होते हैं बेटा? 366 डेज। कितने दिन होते हैं? 366 डेज। 52 वीक, 52 वीक कितने हो गए? 52 वीक प्लस 2 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो हेंस नंबर ऑफ ऑड डेज इन वन लीप ईयर, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे बेटा? 2। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए 52 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना लिखते हैं बेटा? 52 मल्टीप्लाई बाई 7, तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना है? 364 आता है। तो 364 और नंबर ऑफ टोटल डेज कितना है? 366। तो 2 डेज जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑड डे किसी लीप ईयर में। ओके किसी भी लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए बेटा? 2। तो एक बात अभी तक जो आप सभी लोगों ने सीखा है वो ये सीखा है बेटा कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन ऑर्डिनरी ईयर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, और नंबर ऑफ ऑड डेज इन ए लीप ईयर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। ये रिमेंबर रखने वाली चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा 100 ईयर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? 100 ईयर्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 76 ऑर्डिनरी ईयर, कितने ऑर्डिनरी ईयर बेटा? 76 ऑर्डिनरी ईयर, और 24 लीप ईयर होता है। एक 100 ईयर में
कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेके 100 तक चल रहे हैं, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा, 24 लीप ईयर होगा। 24 क्या होगा बेटा, लीप ईयर। कितने लीप ईयर हैं, 24। हाउ मेनी लीप ईयर, 24। आप काउंट करके देख लीजिए टोटल लीप ईयर कितने आएंगे बेटा, 24। टोटल लीप ईयर कितने आएंगे, आप 4 का मल्टीप्लाई ये यूज कर लीजिए, तो आपको जैसा कि पता है 4 से लेके 40 तक 10 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा 44 से लेके 80 तक 10 यहाँ पे हो जाएंगे, 10 यहाँ पे बेटा, 10 यहाँ पे। इसके बाद जब आप काउंट करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक तो 84 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितने आ गए बेटा, 4 आ गए। आप 100 नहीं लेंगे यहाँ पे, क्या नहीं लेंगे बेटा, 100 नहीं लेंगे, क्योंकि 100 हमारा लिप ईयर नहीं है। अभी अभी स्टार्टिंग में हम आपको बताया 100 हमारा क्या नहीं है बेटा, लिप ईयर नहीं है। तो टोटल कितने आ गए बेटा, 24। हाउ मेनी, 24। कितने आ गए बेटा, 24 इन 100 ईयर, फ्रॉम स्टार्टिंग के 100 ईयर में जो लिप ईयर की हम बात कर रहे हैं वो कितने आ गए बेटा, 24। कितने आ गए, 24। अब अगर लिप ईयर आपने कैलकुलेट कर लिया, इस 100 में अगर आपने लिप ईयर कैलकुलेट कर लिया 24, तो 100 माइनस 24 करेंगे तो रिमेनिंग जो भी ईयर बचेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डिनरी ईयर। वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ईयर। तो 76, 76 हमारे ऑर्डिनरी ईयर हो गए, 24 हमारे क्या हो गए बेटा, लिप ईयर। अब तो 76 मल्टीप्लाई हमने कितना किया, 1 किया, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 1 ऑड डेज, और लिप ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज। लिप ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 24 इंटू 2, 2 ऑड डेज। तो जब आप सभी को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो आता है 124 ऑड डेज। हाउ मेनी ऑड डेज, 124 ऑड डेज। हाउ मेनी ऑड डेज, 124 ऑड डेज, जिसमें अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करें तो 17 वीक कंप्लीट होते हैं। कितने वीक कंप्लीट हो रहे हैं, 17 वीक कंप्लीट होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 5 डेज बचता है, प्लस एक्स्ट्रा 5 डेज बचता है। किसी 5 डेज को 7 से बिलो अगर आता है, क्योंकि देखिए 7 आ जाएगा, अगर 7 ऑड डेज आ जाएगा तो बेटा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा, 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो 124 ऑड डेज यहाँ पे कैलकुलेट करके आपने निकाला, 124 ऑड डेज आ रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, 17 वीक, कितने वीक बेटा, 17 वीक, 17 वीक प्लस हमने कितने ऑड डे, 5 हमारा ऑड डे आ गया। कितने ऑड डेज आ गए, 5। तो एक बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को कि स्टार्टिंग के 100 ईयर तक, कहाँ तक बेटा, 100 ईयर तक, 0 से लेके 100 तक कितने ऑड डेज आ गए बेटा, 5 ऑड डेज। कितने ऑड डेज आ गए, 5 ऑड डेज। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि बेटा आप ये बताइए 0 से लेके 200 तक कितने ऑड डे आएंगे, तो आप कहेंगे कि सर स्टार्टिंग के 100 में 5 आए थे तो अगेन 100 में 5 आएंगे, तो 5 प्लस 5 कितने हो गए, 10। ग्रेटर देन 7 आ गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3। तो 200 ईयर में कितने ऑड डेज आ गए, 3 ऑड डेज। हाउ मेनी ऑड डेज, 3। कितने ऑड डेज आ गए बेटा, 3। 200 ईयर में कितने ऑड डेज आ गए बेटा यहाँ पे, 3। कितने ऑड डेज आ गए बेटा यहाँ पे, 3। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है। 100 ईयर, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज इक्वल टू 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज। 200 ईयर की बेटा अगर बात करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10 ऑड डेज, डिवाइड बाई 7 कितना आ गया, 3 ऑड डेज। 300 ईयर की अगर हम बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 15। देखिए जैसे जैसे 100 100 ईयर आप ऐड करते जा रहे हैं, ऑड डेज वैसे वैसे इंक्रीज करता जा रहा है, और अगर वैल्यू 7 आ गया, अगर वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर आ गया तो हम उसको 7 से अगेन डिवाइड करते हैं। तो 50 डेज है, 7 से आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 ऑड डेज, क्योंकि 2 वीक इसमें कंप्लीट हो जाएगा, 14 डेज। लेकिन जैसे ही हम 400 ईयर में आते हैं, किस में आते हैं बेटा, 400 ईयर में, तो आप देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे 20 हुआ है, बट हमने 1 डे एक्स्ट्रा ऐड किया। रीजन क्या है 1 डे एक्स्ट्रा ऐड करने का, ये जो 400 है ना, ये लीप ईयर, पहला सेंचुरी लीप ईयर आता है, वो कौन सा आता है बेटा, 400। फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर इज 400, 400 हमारा बेटा पहला सेंचुरी लीप ईयर होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्योंकि देखिए 100 हमारा लीप ईयर नहीं था, 100 स्टार्टिंग का लीप ईयर नहीं था, 200 ऑल्सो नॉट ए लीप ईयर, 300 भी लीप ईयर नहीं है, बट 400 सेंचुरी ईयर का पहला लीप ईयर है, फर्स्ट सेंचुरी ईयर का लीप ईयर है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा डे हमने ऐड किया, 1 एक्स्ट्रा डे। तो 21 डिवाइडेड बाई 7, हाउ मेनी ऑड डेज, 0 ऑड डेज। तो आप एक बात ये भी बोल सकते हैं कि एवरी 400 पे हमारा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा, क्योंकि 400 के बाद क्या आ रहा है, 0 ऑड डे। तो फिर से हमारा जो नेक्स्ट कैलेंडर स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर का, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा। तो दैट मीन्स वो फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहला है, बीच में भी आते हैं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं, अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। बट
400 तक जो आपने देखा, 400 पे कितना आ गया, जीरो ऑर्डर डे। कितने ऑर्डर डेज आ गए बेटा, जीरो ऑर्डर डे। अब देखिए यहाँ पे 800 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 800 ईयर की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 800 ईयर की। तो 400 तक आपने निकाला है जीरो, तो 400 प्लस 400 800, इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर डे। 1200 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 1600 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाता है। 2000 ईयर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा अब ये बात तो रही, आपको समझ आया। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 1900 1900, अगर आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर डे बताइए, तो आप कैसे बताएंगे इसको, क्या करेंगे, पहले 1600 तक देखेंगे। 1600 कितना आ गया बेटा, जीरो ऑर्डर डे। इसके बाद कितना और बचा है, 300 बेटा और बचा है, ऐड कर दीजिए इसमें, ये कितना आता है, 1900 हो गया। 300 तक हाउ मेनी ऑर्डर डे, कितने ऑर्डर डे आ गया बेटा, वन। तो जीरो प्लस वन, कितने ऑर्डर डे आ गए यहाँ पे, वन ऑर्डर डे। हाउ मेनी ऑर्डर डे, वन ऑर्डर डे। कितने ऑर्डर डे आ गया बेटा, वन ऑर्डर डे। कितने ऑर्डर डे आ गया बेटा, वन ऑर्डर डे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम किसी को, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। और आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मैपिंग ऑफ द नंबर ऑफ ऑड डेज टू द डे ऑफ द वीक। मैपिंग ऑफ द नंबर ऑफ ऑड डेज टू द डे ऑफ द वीक, टू द डे ऑफ द वीक। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं बेटा, वन। नंबर ऑफ ऑड डेज अगर वन आता है तो दैट मीन्स वो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। नंबर ऑफ ऑड डेज टू आते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज अगर थ्री आता है तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज फोर है तो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डेज फाइव है तो क्या होता है, फ्राइडे। एंड सो ऑन, ऐसे ही मूव करता है। सेवन और जीरो है तो दैट मीन संडे। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहता है अगर हम ऑर्डनरी ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डनरी ईयर की। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डनरी ईयर की, द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज सेम एज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, सेम एज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑर्डनरी ईयर में जनवरी का जो कैलेंडर है, अगर 1 जनवरी को मंडे है या जो भी है, मंडे या 1 जन को अगर मान लेते ट्यूसडे है, तो बेटा 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, ट्यूसडे होगा। मतलब जो जनवरी का कैलेंडर होगा वही सेम कैलेंडर किसका होगा बेटा, अक्टूबर। लेकिन ये किसमें होगा बेटा, किसमें होगा, ऑर्डनरी ईयर में। किसमें होगा, ऑर्डनरी ईयर, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस जैसा कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इन शॉर्ट एंड ऑर्डनरी ईयर जनवरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अक्टूबर। जनवरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, अक्टूबर। जनवरी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, अक्टूबर। इन ए लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर की बात करें, द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज सेम एज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, इन केस ऑफ किसमें बेटा, लीप ईयर, ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में। लीप ईयर में क्या है, जनवरी किसके बराबर हो गया, जुलाई के। जनवरी किसके बराबर हो जा रहा है, जुलाई के। मतलब जो कैलेंडर जनवरी का है उसी ईयर में, वह सेम कैलेंडर किसका हो जाएगा बेटा, जुलाई का। एज इट इज सेम कैलेंडर किसका हो जाएगा बेटा, जुलाई का। चलिए आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को तो याद तो हो गया। ऑड डेज नॉन लीप ईयर में वन होते हैं, लीप ईयर में टू होता है, 100 ईयर में फाइव होते हैं, 200 ईयर में थ्री होता है, 300 ईयर में वन होता है, 400 ईयर में जीरो होता है। और ये डे भी आपको रिमेम्बर, जीरो आ जाता है संडे, जीरो, या सेवन भी आ जाता है तो संडे। मंडे के लिए वन, ट्यूजडे टू, वेडनेसडे थ्री, थर्सडे फोर, फ्राइडे फाइव, सैटरडे सिक्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 12 नवंबर 1991। हमें अभी पता नहीं है बेटा कि इस दिन कौन सा दिन था, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरे ही है, हमें ये नहीं पता कि किस दिन हम पैदा हुए थे, किस दिन हमारा बर्थ हुआ था। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलेंडर तब गूगल नहीं देखते, कैलेंडर यूज नहीं करते। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाई जो मेथड हमने अभी तक सीखा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बेटा, कि क्या 1991 कंप्लीट हो गया है, क्या दिस ईयर 1991 कंप्लीट हुआ है, नहीं कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अभी इसमें बात क्या कर रहे हैं, 12 नवंबर की बात कर रहे हैं, 12 नवंबर की बात कर रहे हैं, और 1991, 12 नवंबर 1991, ठीक
क्या 1991 कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ। तो 1991 कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट कितना ईयर हुआ बेटा? 1990, इतने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस ईयर के लिए ऑड डे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कितने ईयर में कितने ऑड डेज आएंगे, हाउ मेनी ऑड डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 1900 के लिए मैंने आपको जुगाड़ बताया था, क्या था? 1600 + 300 कर ले। 1600 मैंने बताया था, अभी आपको सॉल्व करके भी दिखाया। कितने ऑड डेज आते हैं बेटा? जीरो आते हैं। 300 में कितने आते हैं? वन आते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू वन ऑड डे। कहाँ तक बेटा? 19, वन ऑड डेज, वन ऑड डे, 90, 1900 तक कितना आ गया? वन ऑड डेज। चलिए अब 90 ईयर तक देखते हैं। अब देखिए, अगर आप 90 में ये कैलकुलेट करना चाहें, क्या कैलकुलेट करना चाहें, कितने लीप ईयर होंगे, तो इसका बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। इस 90 को 4 से डिवाइड करो, देखेंगे आप 22.5 आएगा। तो पॉइंट वाले टर्म्स हटा दीजिए, ये हमारा लीप ईयर हो गया। दिस इज लीप ईयर, दिस इज लीप ईयर। ये हमारा क्या आ गया बेटा? लीप ईयर। ये हमारा क्या आ गया? लीप ईयर। तो ये लीप ईयर आ गया। अब 90 में से 22 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 68 हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। 68 हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। 68 हमारा क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी ईयर। अब 68 हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर है, 68 हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। अब सभी को पता है ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? वन होता है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं बेटा? टू होता है। लीप ईयर में कितने? टू। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 44 प्लस 44 प्लस कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 68। 44 प्लस 68 आप कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है? 112। कितना आ जाता है बेटा? 112। अब ये ग्रेटर देन 7 आया, तो आप 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो जिसका मतलब क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 0 ऑड डे, कितने ऑड डे आ गए? 0। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस ईयर की बात कर रहा है, 1991, हम लोग कहाँ तक कैलकुलेट कर चुके? 1900 तक निकाला, वन ऑड डे आया। इसके बाद हमने किसका निकाला है बेटा? इसके बाद हमने 90 तक निकाला है, तो उसके कितने आ गए बेटा? 0 ऑड डे। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो 1991 का, ध्यान से समझिएगा। 1991 में इसमें डेट कौन सा पूछा गया? नवंबर तक। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 21 दिन की होगी, फरवरी। अब आप चेक करिए, क्या 1991 क्या आप 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, क्योंकि सेंचुरी ईयर नहीं है, इसलिए हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर ये सेंचुरी ईयर होता, अगर ये सेंचुरी ईयर होता, तो अगर ये सेंचुरी ईयर होता बेटा, अगर ये सेंचुरी ईयर होता तो आप किससे चेक करते? 400 से। किससे चेक करते? 400 से। तो जनवरी 31 की, फरवरी कितने की होगी? 28 की। मार्च कितने का होगा? मार्च कितने का होगा बेटा? 31। अप्रैल कितने का होगा? 30 का। देखते जाइए अप्रैल। मई कितने का होगा बेटा? 31। जून कितने का होगा? 30 का। जुलाई, जुलाई अगर आप देखें, दिस इज 31। यही एक ध्यान रखने वाली बात है, जुलाई एंड अगस्त कंटिन्यू में 31 डेज के आते हैं। और ये आप कैसे रिमेम्बर रख सकते हैं? 31 अगस्त में आपका फ्रेंडशिप डे आता है ना बेटा, तो एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे ऐड होता है आपकी फ्रेंडशिप के लिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर अगर आप देखें तो 30 का हो गया, अक्टूबर 31, और नवंबर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नवंबर में क्या नवंबर कंप्लीट हो चुका है? नहीं। किसने नवंबर की बात कर रहा है? 12 नवंबर की। कितने नवंबर की बात कर रहा है? 12। एक पहला काम, इन सभी को ऐड करके आप 7 से डिवाइड करें, या पहले ही 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लें। जैसे जनवरी 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऑड डेज आएगा, फरवरी को 7 से डिवाइड करेंगे 0 ऑड डे आएगा। देखते जाइए, इसको ऐड करना है आपको बाद में, या तो आप पहले ऐड करके डिवाइड करिए या बाद में ऐड करके डिवाइड करिए, बात वही कही। 31 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने ऑड डे? 3 ऑड डे। 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने ऑड डे? ये याद कर लीजिए। 31 देखिए, जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे आते हैं बेटा? 3 आता है। 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पे रिमाइंडर? 2 आएगा। तो ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अप्रैल, मार्च में 3 हो गया, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में कितना आ जाएगा? 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। अब ऐड करिए, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 16 19 21, 21 + 3 24, 24 + 5 29। तो अगर आप देखिए 29 ऑल्सो ग्रेटर देन 7, तो आप फिर से 7 से डिवाइड करिए। 7 से ग्रेटर आए तो आप डिवाइड करके ऑड डे निकालते जाइए।
तो जब आपने 7 से फिर से डिवाइड कर लिया तो ये कितना आ गया बेटा, हाउ मेनी ऑड डे, वन ऑड डे, वन ऑड डे यहाँ पे बेटा, जीरो यहाँ पे, वन यहाँ पे। तो टोटल ऑड डे की बात करें, टोटल ऑड डे की बात करें, तो टोटल ऑड डे की बात करते हैं, तो टोटल ऑड डे की बात करते हैं, तो आप देखिए वन प्लस जीरो प्लस कितना है बेटा, वन। टू, फर्स्ट ऑड डे इज मंडे, पहला ऑड डे क्या होता है, मंडे अगर है, फर्स्ट ऑड डे इज मंडे, तो सेकेंड ऑड डे क्या होगा बेटा, ट्यूजडे। आप सभी लोग गूगल यूज करिए और चेक कर लीजिए इस दिन कौन सा दिन था, ट्यूजडे था या नहीं था, आप सभी लोग चेक करिए, आपको गूगल बताएगा कि करेक्ट है बेटा। 12 नवंबर 1991 को क्या था, ट्यूजडे था। 12 नवंबर 1991 को क्या था बेटा, ट्यूजडे था। 12 नवंबर 1991 को क्या था बेटा, ट्यूजडे था। आप सभी लोग चेक करिए यहाँ पे, आप सभी लोग चेक करिए, आप सभी लोग चेक कर लीजिए, गूगल का यूज़ करिए। अच्छा स्टूडेंट कहता है कि क्या पता आपने गूगल से भी सेटिंग कर रखी हो और आपने जो सॉल्व किया वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जहाँ जिन्हें अभी भी थोड़ा बहुत डाउट कुछ रह गया होगा, तो डाउट रह गया होगा, जैसे आज अपना लेक्चर 15 जून को ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो हम लोग आज की डेट कैलकुलेट करेंगे, 15 जून 2021, 15 जून 2021, 15 जून 2021। ये आप सभी लोग देखिए, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। चलिए देखिए 15 जून 2021, ध्यान से समझिएगा, क्या 2021 कंप्लीट हो गया बेटा, नहीं कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2020 तक, किसकी बात करेंगे, 2020 तक, क्योंकि 2021 और 2020 में आप सभी को पता है 2000 तक, क्योंकि ये 400 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितने ऑड डे, जीरो ऑड डे, ऑड डे, जीरो ऑड डे कहाँ पे आ गया बेटा, अप टू 2000 तक, 2000 तक कितना आ गया, जीरो। अब हमारे पास बचता है 20, 20 को पहले 4 से डिवाइड करिए तो देखेंगे आप 5 लिप ईयर, क्योंकि 20 डिवाइड बाई 4 5 आ गया बेटा, प्लस 20 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15 ऑर्डिनरी ईयर। 5 लिप ईयर तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया ये, 10 आ गया। यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर 15, 1 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा बेटा, 15। जब आप ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितने ऑड डे आ जाएंगे, 4 ऑड डे, हाउ मेनी ऑड डे, 4 ऑड डे। अब हमारे पास बचा क्या है, 2021, क्योंकि 2020 तक हम सभी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। जनवरी ध्यान से देखते जाइए, जनवरी 3 ऑड डे, फरवरी, अच्छा 2021 क्या बेटा 4 से डिविजिबल है, ध्यान रखिएगा 2021 क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 0 28 दिन की होगी, तो ऑड डे हम लिख रहे हैं, डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, 31 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो यही 3 आएगा, 28 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो जनवरी फरवरी, इसके बाद क्या है बेटा, मार्च, मार्च कितने की, 31 की, तो 3। अप्रैल, अप्रैल हमारा 30 का होता है तो बेटा 2 आ जाएगा, मई हमारा 31 का है तो 3 आ जाएगा। अब देखिए जून में आपको जून कंप्लीट नहीं लेना है, कहाँ तक लेना बेटा, 15 जून, कहाँ तक लेना बेटा, 15 जून, तो 15 डिवाइड बाई आप 7 कर दीजिए इसको, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ऐड करते हैं, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 12, 12 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ध्यान से देखिएगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक और मेथड बताता हूँ, जैसे 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, ऐसे कैंसिल कर दीजिए, प्लस क्या बचा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देखिए वही 5। बाद में आप डिवाइड करिए या 7 7 कैंसिल आउट करके भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ईजी बना सकते हैं कैलकुलेशन को, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब टोटल ऑड डे अगर आप कैलकुलेट करें तो 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, कितने आ गए बेटा, 9, कितने आ गए, 9, 9 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 7, रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। फर्स्ट ऑड डे, फर्स्ट ऑड डे, फर्स्ट ऑड डे आप देखिए क्या था बेटा, मंडे, तो सेकेंड ऑड डे क्या है, आज कौन सा दिन है आप देख लीजिए, आज कौन सा दिन है बेटा, ट्यूजडे, सेकेंड ऑड डे आपका क्या आ गया, ट्यूजडे। तो 15 जून 2021 कौन सा दिन होगा बेटा, ट्यूजडे। अब आप सभी लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ही सिंपल है, देखिए सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप सभी लोग क्या कैलकुलेट करिए बेटा, आप सभी लोग क्या कैलकुलेट करिए, आप सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करिए और चेक करिए कि क्या वो करेक्ट आ रहा है। चेक एवरीवन, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और चेक करिए क्या आप सभी लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एवरीवन प्लीज, अगर किसी बच्चे का, सभी लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बच्चा कहता है कि सर मेरा कैलकुलेट नहीं हो पाया 14 जुलाई 1991, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है वो ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे ना क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1999 ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग होता है, पहला मिस्टेक पॉइंट। अब ध्यान से समझिए, क्या 14 जुलाई 1999, क्या ये 1999 फिनिश हो चुका है, ये ईयर कंप्लीट हो चुका है? नहीं हुआ है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1998 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, 19। तो पहला मिस्टेक, बच्चा जल्दबाजी में 1999 ले लेता है, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, ओके? ये मिस्टेक आप सभी लोगों को नहीं करना है। तो 1998 पे जाइए, तो 1998 पे आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, 1900 तक कितना आता है, 1 ऑड डे आता है। 1600 + 300 करके करते थे, तो 1600 तक 0 होता था, और 300 का कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो ये कितना आ गया, 1 ऑड डे, 1 ऑड डेज, क्लियर? अब हम 99 ना जाके 98 तक देखेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 98 / 4। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 24 क्या आएगा, लीप ईयर, और बचे हुए जितने भी हैं, 98 - 24 आप करेंगे तो बचे हुए जितने भी हैं वो क्या आ जाएंगे, 74 हमारा ऑर्डिनरी है, 74 हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी। तो ये हमारा मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, किसका, कितने का मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 48 प्लस, क्योंकि लिप ईयर में 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर में 1, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था। तो 74 + 48 जब आप ये करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, 122 डिवाइडेड बाई 7, डिवाइडेड बाई 7। जैसे ही आप डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, यहाँ पे 3, रिमाइंडर 3, यानी यहां तक आपके कितने ऑडिट आ जाएंगे, 3 ऑड डे, क्लियर? 1 यहां पे, 3 यहां पे। चलिए अब किस ईयर की बात करनी है हमें, बात किस ईयर की करनी है बेटा, देख लेते हैं। बात हमें करना है 1999 का, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी हाउ मेनी, 3। फरवरी में आ जाइए भाई, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 99 लास्ट वाले 2 डिजिट देखिए, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 0 28 का होगा, फरवरी लिप ईयर नहीं होगा, 1999 फरवरी 0 हो गया, जनवरी 3, फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद क्या आएगा बेटा, मई 3, मई 3, जून 2, जुलाई। अब जुलाई में कौन से जुलाई की बात कर रहा है बेटा, 14 की बात कर रहा है, 14 जुलाई, 14 जुलाई लिया था, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। चले अब ऐड करते हैं, 3 + 3 6 + 2 8, 8 + 2 10 + 3 13, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 13, दिस इज 13, 13 + 3, या 7 से डिवाइड कर लीजिए या ऐड करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 13। अच्छा चलिए पहले 7 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा, 6 + 3 9 + 1 कितना आ गया, 10, फिर अगेन 10 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 7, 7 से ग्रेटर आए तो डिवाइड करते जाइए, तो कितना आ जाएगा, 3 ऑर्डर डे, टोटल ऑर्डर डे कितने आ गए, 3। तो फर्स्ट इज मंडे, आप गूगल करके चेक कर लीजिए, सेकेंड इज ट्यूजडे, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे इज करेक्ट आंसर, ओके? हाँ मुझे पता है ना बेटा, देखिए पहला मिस्टेक आप लोग यही करते हो, कोई भी डेट है, जैसे 15 अगस्त, अपना देश आजाद हुआ था 1947, 15 अगस्त 1947, तो लोग ना जल्दबाजी में ये 1947 ले लेते हैं, जबकि 1947 थोड़ी ना लेना होता है, 1946 लेंगे, क्योंकि अभी 47 तो चल रहा है ना, खत्म थोड़ी हुआ है, 47 अभी रनिंग है। तो यही एक मिस्टेक होता है, जो कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट से, वही स्टूडेंट करते हैं, तो आप सभी लोग मत करिएगा। अब देखिए 15 अगस्त 1947 आपको कैलकुलेट करना है, 15 अगस्त 1947 आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है,
क्योंकि ना बड़ा फेमस है, कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त 1947 जब अपना देश आजाद हुआ था तो कौन सा दिन था, और 26 अगस्त, और सॉरी 26 जनवरी 1950, 1950, ये बड़ा फेमस, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, फटाफट आंसर, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, दिस इज फ्राइडे, वेरी गुड, फ्राइडे इज करेक्ट आंसर, वेरी नाइस, फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर है, ये याद रख लो, 26 जनवरी, कभी कभी ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, अगर रिमेम्बर है तो दैट मीन्स बड़ा मजा आता है, 26 जनवरी 1950, ये 1950 आएगा बेटा, 1950, ये दो बहुत फेमस डेट है बेटा, दो बहुत फेमस डेट है, इसको याद रखिए, कई बार एग्जामिनर ना इसी पे क्वेश्चन पूछता है, दिस इज फ्राइडे और ये क्या आ जाता है, थर्सडे, थर्सडे, क्लियर। तो फ्राइडे एंड थर्सडे जैसे मैंने यहां पे सॉल्व किया है, देखिए 15 अगस्त का हमने तो सॉल्व करके दिखाया है, ऑन विच डे, ऑन विच वीक ऑफ द डे 15 अगस्त 1947 फॉल, तो सबसे पहले हम लोगों ने वही कैलकुलेट किया है, 1947 का कर रहा है तो 1946 लेंगे, 1900 तक वन ऑड डेज आ गया, कितने ऑड डेज, वन ऑड डे, देखिए यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करके निकाला है, हमने सिंपल आपको मेथड बताया था उससे आपने याद कर लिया, 1900 से वन, इसके बाद 1991 से लेके 1946 तक कितने लीप ईयर, 11, क्योंकि आप 46 को डिवाइड करेंगे 4 से, 11 लीप ईयर आएगा और 36 नॉन लीप ईयर, जब आप सॉल्व करेंगे तो हाउ मेनी ऑड डे, वन ऑड डे, तो वन ऑड डे यहाँ पे, वन ऑड डे यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम इंटर कर जाएंगे 1947 में अगस्त, तो कैलकुलेट करते हैं 3, तो 3 + 1 कितना आ गया, 5, फर्स्ट इज मंडे तो 5th 1 इसके आ जाएगा बेटा फ्राइडे, 5th 1 इज फ्राइडे, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा बेटा, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 फ्राइडे, ध्यान रखिएगा फ्राइडे, और बेटा 26 जनवरी 1950 थर्सडे, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, यहां पे कोई एक डेट आपको दे दिया जाएगा, कहता है इट वॉज ट्यूजडे ऑन 8 फरवरी 2005, 8 फरवरी 2005 ट्यूजडे, वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑफ 8 फरवरी 2004, वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑफ 8 फरवरी 2004, इट वॉज ट्यूजडे ऑन 8 फरवरी 2005, रिवर्स ले गया, 8 फरवरी 2005 को क्या है बेटा, ट्यूजडे, तो आपसे पूछा जा रहा है 8 फरवरी 2004 को क्या होगा, 8 फेब 2004 क्या होगा, 8 फेब 2004 क्या होगा ये बताना है, 8 फेब 2004, तो 8 फेब 2005, 2005 से ये बताया जा रहा है, दिस इज द ट्यूजडे, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, इसके बाद 8 फेब 2004 सिंपल है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखिए ये जो 8 फेब है रिवर्स जाना है, 8 के बाद फिर 7 फेब आएगा, 7 के बाद 6 के बाद 1, तो फेब यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद 2005 का जनवरी आएगा, ठीक है, लेकिन जब हम 2004 में रिवर्स जाएंगे तो सबसे पहले दिसंबर जाएंगे, दिसंबर के बाद नवंबर, फिर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, मई के बाद अप्रैल, मार्च, इसके बाद आपका आएगा फरवरी, तो देखेंगे 2004 में जो फरवरी है, फरवरी वो 29 दिन की होगी, यानी फरवरी 29 डेज इनके बीच में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है, इन बिटवीन जो फरवरी 29 डेज है वो इन बिटवीन आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कितने ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे, हाउ मेनी ऑड डेज, 2 ऑड डेज, कितने ऑड डेज हैं बेटा, 2 ऑड डेज, हाउ मेनी ऑड डेज, 2 ऑड डेज, अब देखिए अगर ये ट्यूजडे था तो दैट मीन्स आपको रिवर्स जाना पड़ेगा ना, माइनस टू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड जाते थे तो प्लस करते थे, माइनस आप टू, तो ट्यूजडे तो रिवर्स जाएंगे,
तो रिवर्स जाएंगे, देखिए जो भी डेट आपको गिवन हो, जो भी डेट वहाँ पे एजेप्शन, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एजेप्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये हमारा जीरो ऑर्डर डे हो गया, दिस इज जीरो ऑर्डर डे। तो फर्स्ट ऑर्डर डे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डे ऑर्डर डे वो क्या होगा, इन दिस केस ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो वेडनेसडे ये पहला ऑर्डर डे हो जाएगा। लेकिन हमें रिवर्स जाना है, हमें माइनस में जाना है, तो माइनस में जाना है तो ऑर्डर डे जीरो ऑर्डर डे इज ट्यूसडे, तो -1 क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा बेटा, मंडे हो जाएगा, -1 मंडे, और -2 क्या हो जाएगा बेटा, संडे। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर, व्हाट वाज द डे ऑन 28 मई 2006, 28 मई 2006 को कौन सा दिन है, सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा, एवरी वन डू इट फास्ट, फटाफट सॉल्व करिए, व्हाट वाज द डे ऑन 28 मई 2006, 28 मई 2006 बताना था। चलिए गुड, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है बेटा, बी, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है, बी। तो आई होप कि आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछे 1 जनवरी 2001 बताइए क्या हो, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 2000 तक जीरो, 2000 तक क्या आएगा, जीरो आएगा, 2001 का पहला ही दिन पूछ रहे हैं बेटा, तो कितने ऑर्डर डे, वन ऑर्डर डे, कितने ऑर्डर डे, वन ऑर्डर डे, तो क्या आ जाएगा, मंडे, खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा 4 जैन 1601, तो आपको पता है 1600 तक क्या था, जीरो था, तो 1601 जनवरी पूछ रहा है, फोर, हाउ मेनी ऑर्डर डे, फोर ऑर्डर डे, पहला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कम है, 2006 पूछा है, तो 2000 तक आपको क्या है, जीरो है, तो सिक्स आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फाइव लेना है, तो फाइव में वन हमारा लिप ईयर होगा और फोर हमारा ऑर्डर ईयर होगा, देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू, यहाँ पे वन, 2 + 4 कितना आ गया, सिक्स, सिक्स ऑलरेडी आ गया। चलिए अब इसके बाद आपको मई, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2006 में, 2006 में मई चाहिए, तो पहले जैन, थ्री, फरवरी, फोर से डिविजिबल है, चेक कर लीजिए, नहीं डिविजिबल है, जीरो, मार्च, थ्री, अप्रैल, टू, मई में 28 है, तो 28, 28 / 7 कर दीजिए, जीरो, आप ऐड करिए, 3 + 3 6 + 1 7 8, तो 8 / 7 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 6 + 1 कितना आया, 7, और यहाँ पे 7 / 7 0 और 0, तो 0, तो दैट मीन्स क्या आ गया, संडे, 0 ऑर्डर डे, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, संडे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम अब आप सभी लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़े से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन इज द प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ इट इज, इट वॉज थर्सडे ऑन 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012 को थर्सडे था, देन व्हाट वॉज द डे ऑन 11 जून 2013, 11 जून 2013, इलेवन जून 2013, चलिए देखिए क्या पूछा है, 15 अगस्त 2012 थर्सडे है, 15 अगस्त 2012 पूछा क्या गया है, 11 जून 2013, तो अगस्त में देखिए कितने दिन अभी बचे हैं, 2012 में पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या अगस्त में 16 डेज रिमेनिंग है बेटा, अगस्त, सितंबर कितने दिन की होती है, 30 की होती है, अक्टूबर 21 की, नवंबर 30 की, दिसंबर 21, तो देखिए यहाँ पे 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 ऑर्डर डेज आएगा, 14 और 2,
यहाँ पे बेटा टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा टू, यहाँ पे थ्री। आप ऐड कर लीजिए, टोटल जब आप ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 12, अच्छा 2013 में आ जाते हैं। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 11 पूछा गया है। 11 डिवाइड बाई 7 करो, 4 आ गया, ऐड कर लो। 3 प्लस 3 6, 7 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15, तो 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा 27। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 6 ऑड। चेक कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, हाउ मेनी ऑड डेज, 6 ऑड डे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 15 अगस्त से आप इसको बेस सब करके सॉल्व किए प्रॉब्लम, और इस दिन थर्सडे था, इस दिन क्या था बेटा, थर्सडे। तो फर्स्ट ऑड डे, पहला ऑड डे क्या आएगा, थर्सडे के बाद क्या आता है बेटा, फ्राइडे, क्योंकि आपने इसको बेस सपोज कर लिया, इसको बेस मान के प्रॉब्लम सॉल्व किया। 15 अगस्त से आगे आप बन, तो अगस्त में 16 दिन थे, इससे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। क्लियर, सभी को क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट इज फ्राइडे, तो सेकंड क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सेकंड क्या आएगा, अगर आप देखिए, फ्राइडे सेकंड ऑड डे हमारा सैटरडे आएगा, थर्ड हमारा संडे, फोर्थ मंडे, फिफ्थ ट्यूसडे, और सिक्स हमारा क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बेटा, ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, हाँ एक यहाँ पर डाउट आता है कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमसे पूछा गया है डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट कर लें, जो पहला मेथड आपने बताया था। देखिए, अगर प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, मतलब जो ये डेट दिया गया है 10 मई 1997 इज मंडे, दिस इज द करेक्ट, अगर ये करेक्ट दिया गया है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर वही करेक्ट नहीं दिया है, अगर बेटा वही करेक्ट नहीं दिया है, तब जाके आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बेटा, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आई बात समझ में आकर? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बोले बेटा, एनी डाउट एनीवन। तो 10 मई 1997 वाज मंडे, व्हाट वाज द डे, 10 अक्टूबर 2001, 10 अक्टूबर 2001। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए पहले, इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। 10 मई 1997 वॉज ए मंडे, वॉट वॉज द डे ऑन 10 अक्टूबर 2001। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया 10 मई 1997, तो 10 मई 1998 आएगा। अब देखिए इसमें ऑड डेज कितने आएंगे, 1 ईयर कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखिए मई के बाद क्या आएगा, जो फेब आना होगा वो किस में आएगा, 1998 में आएगा बेटा। फेब किस में आएगा, 1998 में आएगा। इन दोनों ईयर में जो जब हमने स्टार्ट किया है, 10 मई 1997 से 10 मई 1998, तो फेब किसका आ रहा है, क्या इसका आ रहा है 1998 का, और ये 1998 4 से डिविजिबल, ये लीप ईयर नहीं है, तो 1 ऑड डे आएगा बेटा। हाउ मेनी ऑड डेज, 1। चले नेक्स्ट, 10 मई 1998 है 1999, यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी 1 ऑड डे आएगा बेटा, 1 ऑड डे। इसके बाद 10 मई 2000, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे 2 ऑड डेज आएगा। क्यों, क्योंकि 2000 लीप ईयर है, जो इन दोनों के बीच में काउंट हो रहा है वो फरवरी किसकी है, फरवरी। देखिए 10 मई 1999, मई के बाद क्या आएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1999 खत्म हो गया, अब स्टार्ट हो गया 2000, तो जनवरी फरवरी, किसका फरवरी आया बेटा, 2000 का। यहाँ पे हाउ मेनी लीप ईयर, कितने लीप ईयर आ गया बेटा, 2। और क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2001, चलिए तो अक्टूबर है तो पहले 10 मई तक देख लेते हैं, 10 मई 2001, इन दोनों के बीच में हाउ मेनी, कितने हमारे लीप ईयर, सॉरी ऑड डे, 1। अब देखिए
2001 में आप 10 मई तक कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मई कितना बचा 2001 में? क्या बेटा 21 डेज बचते हैं मई में, मई के बाद क्या आएगा? जून। जून कितने दिन की होती है? 30 की। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर, आई थिंक अक्टूबर में पूछा गया है, अक्टूबर 10 का है बेटा, तो 10 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ गया? 3। अब आप ऐड करते जाइए, 2 3 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 कितना आ गया? 13। 13 डिवाइड बाई, अब देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया? आफ्टर 10 मई 2001 पे, 10 मई से 2001 से ग्रेटर जब हमने स्टार्ट किया तब जाके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मई में 21 दिन बचा, 10 दिन तो आप कैलकुलेट कर चुके थे, 21 डेज, तो 21 डिवाइड बाई 7 0 मई आ गया। जून कितना आ गया? 2। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 आ गया। अब आप काउंट कर लीजिए, 2 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 10 प्लस कितना आ गया? 3। 13 अपॉन 7, यहाँ से कितना आ रहा है? 6। 6 यहाँ पे आ रहा है, इसको काउंट करते हैं, 1 1 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया? 11। 11 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4। कितना आ गया? 4। अब देखिए यहाँ पे मंडे था, मंडे था, तो नेक्स्ट ऑर्डर डे क्या होगा? नेक्स्ट ऑर्डर डे ट्यूसडे, यानी फर्स्ट ट्यूसडे। सेकंड क्या आएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। थर्ड हमारा थर्सडे, तो फोर्थ इज फ्राइडे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फ्राइडे इज करेक्ट आंसर, फ्राइडे इज करेक्ट आंसर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ट्यूजडे फेल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ अप्रैल 2002। ट्यूजडे फेल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ अप्रैल 2002, अप्रैल 2002, अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 देखिए यहां पे केवल क्या जुगाड़ लगाना है बेटा? 1 अप्रैल 2002 को बस आप काउंट करिए, कौन सा दिन? 1 अप्रैल 2002। जैसे ही आप ये काउंट कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्या आ रहा है, तो आप फिर बता सकते हैं बेटा। अगर सपोज 1 अप्रैल को क्या आ गया? 1 अप्रैल को मंडे आ गया, तो सेकंड को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 1 अप्रैल को अगर मंडे आ गया तो सेकंड को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। फिर 7 ऐड करिए, 9 को ट्यूसडे, फिर 7 ऐड करिए, ऐसे ऐड करते जाएंगे तो आपको पूरे वीक का ट्यूसडे पता चल जाएगा किस किस डेट को है। 1 अप्रैल 2002 को क्या आ रहा है बेटा? 2000 तक आपका क्या आएगा? 2000 तक, 2000 तक 0, तो 2001, यानी एक ही ईयर है 2001, एक साल, इसका लिप ईयर नहीं है तो 1 आ गया। 2002 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल, 1 अप्रैल कैलकुलेट किया जाना है तो 1, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7 बाई 7 कितना आ गया? 0। तो देखिए कितने ऑड डेज टोटल आ गए, टोटल ऑड डेज कितने आ गए बेटा? ऑड डेज जो आ गए वो कितने आ गए? टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू 1, कितने आ गए? 1, टोटल ऑड डेज 1 आ गया। तो यानी 1 अप्रैल को क्या है बेटा? मंडे है, 1 अप्रैल इज मंडे, 1 अप्रैल इज मंडे। तो 2 अप्रैल क्या होगा? ट्यूसडे, वही ट्यूसडे आप पूछा, ऐड करते जाइए, सेकंड देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, और कहीं पे सेकंड दिया नहीं है, 9 16 23 30, डन, सही, गुड। ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑफ टुडे क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। पिंकी वॉज बॉर्न 29 फैब 2016, विच हैपेंड टू बी ए मंडे, इफ सी लिव टू बी टिल 2099, काफी ज्यादा एज है देखिए। हाउ मेनी बर्थडे वुड सी सेलिब्रेट ऑन ए मंडे, वुड वी सेलिब्रेट ऑन ए मंडे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है बेटा, दिस वन इज गुड प्रॉब्लम, अल्टीमेट, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पिंकी वॉज बॉर्न 29 फेब 2016,
विच हैपन टू बी ए मंडे, इफ सी लिव टू बी टिल 2099, हाउ मेनी बर्थडे शुड सी सेलिब्रेट ऑन ए मंडे, शुड सी सेलिब्रेट ऑन ए मंडे। ओके चलिए, ये आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट वैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है पीपीटी में, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं बेटा आज की क्लास, डन। तो कैलेंडर का पूरा कंप्लीट हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, कैलेंडर टॉपिक। आप कहीं से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो असाइनमेंट हमने दिए हैं वहाँ से भी।